हाय दोस्तों, परदेसी फ्लैट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ECNR पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कुछ गलतियां अगर आप करेंगे तो आपका पासपोर्ट ECNR नहीं बनेगा। ECNR पासपोर्ट दोस्तों उन लोगों का बनता है जो लोग या तो हाई स्कूल पास होते हैं, या फिर वो लोग जो लोग 3 साल से ज़्यादा बाहरी मुल्कों में रहे होते हैं। मान लीजिए आपने सऊदी अरबिया में 3 साल गुजारे हैं, या दुबई में, या फिर कतर में, और अगर वहाँ आपने पासपोर्ट ECNR के लिए अप्लाई नहीं किया है और इंडिया में आ गए, इंडिया में आप करना चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट ECNR हो जाए, आप 3 साल से ज़्यादा बाहरी मुल्कों में रह चुके हैं, तो इंडिया में भी हो सकता है। उसके लिए आप किस तरीके से फॉर्म भरेंगे दोस्तों, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि 3 साल अगर आप रह चुके हैं तो ये सेवा आप ले लीजिए, अपने पासपोर्ट को ECNR करा लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही फ़ायदे हैं। ECNR पासपोर्ट हो जाने के बाद आपको POI यानी प्रॉक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा। ये बात वो लोग अच्छे तरीके समझते हैं जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय इमिग्रेशन में दिक्कतें हो रही हैं, इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं हो रहा है। अगर आपका पासपोर्ट ECNR होगा तो आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं लेना पड़ेगा। तो किस तरीके से दोस्तों आप ECNR के लिए पासपोर्ट फॉर्म भरेंगे, ये मैं उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जो लोग 3 साल से ज़्यादा बाहरी मुल्कों में रहे हैं। 3 साल का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक बार गए और 3 साल कंटिन्यू रुके हैं तभी 3 साल माना जाएगा, ऐसा नहीं है। आप मान लीजिए सऊदी अरब में गए हैं, 2 साल में वापस आ गए, फिर गए हैं, 1 साल रुके, तो इस तरीके से भी 3 साल माना जाएगा। या इसके अलावा आप 1 साल सऊदी अरब गए, 2 साल किसी और कंट्री में चले गए, कुल मिलाकर आपका 3 साल बाहरी मुल्कों में पूरा होना चाहिए। आप कितने भी सफ़र आप गए हों, चाहे 6 महीने रुके हों, या 1 साल रुके हों, या 2 साल रुके हों, अगर आप 3 साल कंप्लीट हो जाता है बाहरी मुल्कों में, चाहे सऊदी में, चाहे कुवैत में, चाहे कतर में, चाहे कई सारे मुल्कों को मिलाकर अगर 3 साल आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप पासपोर्ट ECNR बनवा सकते हैं इंडिया में भी। इसके लिए दोस्तों, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आप जब भी ECNR के लिए अप्लाई करें तो कोशिश करें किसी अच्छे एजेंट से आप मिल लें, या फिर जहाँ भी आप अप्लाई करें वो जानकार बंदा हो, अच्छे तरीके से फॉर्म भरना उसको आता हो। तो किस तरीके से दोस्तों आपको अप्लाई करना है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह की हेल्पफुल जानकारी से लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, लगातार जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी आप परदेसी फ्लैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ECR और ECNR पासपोर्ट को और डिटेल्स में जानने के लिए दोस्तों, दोनों में फ़र्क क्या होता है, कैसे कैसे बनेगा पासपोर्ट, उसको जानने के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप और डिटेल्स देख सकते हैं। बहरहाल मैं यहां पर बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही कम समय में मात्र ये बताने जा रहा हूं कि ECNR पासपोर्ट के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र जो पासपोर्ट सेवा की जो ऐप है एम पासपोर्ट सेवा, उसे आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको एक्साइटिंग यूज़र लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपकी आईडी बनी होगी तो यहाँ से आपको अपनी आईडी लॉगिन कर लेनी है, अगर आईडी नहीं बनी है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बहरहाल मैं यहाँ पर आईडी लॉगिन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं आईडी को लॉगिन करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा बाहरी मुल्कों में रहे हैं और फिर अपने पासपोर्ट को ECNR बनवाना चाहते हैं इंडिया में, तो किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अगर आप सऊदी, कुवैत, कतर या वहीं पर अगर बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर ECNR में कोई मसला नहीं होता है, लेकिन इंडिया में आपको कुछ टेक्निकल चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, क्योंकि यहीं से आपका जो मेन चीज़ है शुरू होता है। अगर आप यहाँ गलती करते हैं तो फिर आपका पासपोर्ट ECNR नहीं बनता है और सादा बनकर आ जाएगा, अगर आप रिन्यूअल कराते हैं तो। बहरहाल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तभी आप ECNR के लिए अप्लाई करें, आपके पासपोर्ट में 4 साल, 3 साल या 5 साल समय है तब भी आप ECNR पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी ID लॉगिन कर लेंगे। ID लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट आब्लिक री इशू पासपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं री इशू, जो आप देख रहे हैं री इशू आप पासपोर्ट, इसे आपको
सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाइएगा और नीचे देखिएगा कि इसमें कई सारे ऑप्शन मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर मांगा जा रहा है कि चेंज इन एक्साइटिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स, डैमेज पासपोर्ट, इसके अलावा लास्ट पासपोर्ट, वैलिडिटी एक्सपायर, क्या हो चुकी है पासपोर्ट की या एक्सपायर होने वाली है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यहीं से खेल शुरू होता है। यहाँ पर आपको करना है री इशू पासपोर्ट के बाद ये सिलेक्ट करना है चेंज इन एक्साइटिंग पर्टिकुलर्स, ये आपको सेलेक्ट करना है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसे सेलेक्ट करना है। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि आप अपने पासपोर्ट में क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। देखिए सिग्नेचर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर, अपीयरेंस, अदर्स, गिवन नेम बदलना चाहते हैं, एड्रेस बदलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स नेम बदलना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, डिलीट ECR, सरनेम, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। लेकिन अब क्योंकि हमें अपने पासपोर्ट को ECNR बनाना है ECR हटा के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आ रहा है डिलीट ECR, इसको आपको सेलेक्ट करना है। डिलीट ECR को आपको सेलेक्ट करना है, ध्यान है डिलीट ECR को मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। डिलीट ECR को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि एक जगह और आपको क्या करना है। तो यहां पर आप अपना गिवन नेम भरेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप नीचे आइएगा, सबसे नीचे मैं चलता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। यहां पर ये देखिए आप इज़ एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, यानी जो एप्लीकेंट है जो पासपोर्ट के लिए रीइशू के लिए अप्लाई कर रहा है वो क्या एलिजिबल है नॉन ECR कैटेगरी के लिए, यानी ECNR के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आपको करना है यस, इसको आपको करना है यस। यही दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चेंज एक्साइटिंग पर्टिकुलर्स में डिलीट ECR पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो दे रहा है इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, इसको आपको यस करके फॉर्म भरना है। तो आपका फॉर्म ECNR में भर जाएगा। उसके बाद जब आप पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करोगे तो वहाँ पर आपको शो करना होगा, जो क्योंकि पासपोर्ट पे आपके आने जाने का, जो आप किसी देश में आते हैं फिर जाते हैं, वो एयरपोर्ट पर एंट्री करते हैं फिर निकलते हैं, तो वो चीज़ें स्टाम्प होती, उससे पता चलता है कि आप कितने साल कहाँ पर रहे हैं और उस हिसाब से आपका पासपोर्ट ECNR बन जाता है। अगर आप 3 साल से ज़्यादा बाहरी मुल्कों में रहे हैं तो, अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो कोई मसला नहीं है, ऑटोमेटिक आपका पासपोर्ट पहले टाइम पे ही ECNR बन जाएगा। अगर आप 50 साल से ज़्यादा है आपकी उम्र तो भी ऑटोमेटिक आपका पासपोर्ट ECNR बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप 3 साल से ज़्यादा बाहरी मुल्कों में रहे हैं तो अपने पासपोर्ट को ECNR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको ECNR पासपोर्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई सवाल है आपके जहन में तो वो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।